Gaster, today your English grammar 10. So open your English grammar book and open your contents. तो बच्चा हमने हमारे जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए थे और जो हमारी समर वेकेशन हुई थी इससे पहले हमने कर लिए थे अपने द अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड नाउंस, ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इसमें वर्ल्ड स्मार्ट हमने नहीं किया था, तो आज हम वर्ड स्मार्ट देख लेते हैं। तो जो हमारा वर्ड स्मार्ट है वो है पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 आप ओपन कीजिए, ये देखिए वर्ड स्मार्ट। अब इसमें क्या है बच्चा, वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, बहुत से चीज़ों के लिए केवल एक वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े नाम होते हैं तो हम उसके लिए छोटे नाम का इस्तेमाल करते हैं, इतना आप समझ लीजिए। जैसे है हू मेक फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, कौन बनाता है फर्नीचर, तो हम लिखेंगे कारपेंटर, हम बोलेंगे कारपेंटर। हु सेल्स फ्लावर, तो फ्लोरिस्ट, जो फूल होते हैं उनको कौन बेचता है, फ्लोरिस्ट यानी कि फूल बेचने वाला। हु सेल्स वेजिटेबल्स, ग्रॉसर वेजिटेबल वेंडर, ग्रीन ग्रॉसर या वेजिटेबल वेंडर यानी कि सब्जियां कौन बेचता है, उसे हम जो सब्जियां बेचता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन ग्रॉसर या वेजिटेबल वेंडर। वन हु डज सर्जरी, अब सर्जरी कौन करता है, सर्जरी मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम सुनते हैं उनका ऑपरेशन था, ठीक है, उनकी सर्जरी हुई, तो उस जो हमारे ऑपरेशन करते हैं ना उस डॉक्टर को हम बोलते हैं सर्जन, ओके। वन हु क्लर्क क्लोथ्स, अब देखिए बहुत सारे क्या आते हैं, हम अपने कपड़ों को अलग रंग में भी रंगवाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायर, यानी कि जो डायर होते हैं वो हमारे जो कपड़े होते हैं वो दूसरे रंग में रंग देते हैं, ठीक है। कभी हमको क्या होता है, दूसरे रंग का कपड़ा चाहिए होता है और हमको मिलता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, सफ़ेद रंग का कपड़ा खरीद लेते हैं और फिर दुकानदार को बोलते हैं इस पर हमारा कलर चढ़ाना है, जो कलर हमको पसंद है वो कलर हमको इसको चढ़ाना है, तो वह काम करता है डायर। वन हु रिपेयर्स इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे हमारे घर की जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कौन ठीक करता है, इलेक्ट्रिशियन, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन, ओके। वन हु कुक्स इन अ होटल और रेस्टोरेंट, शेफ, जो होटल में बड़े बड़े होटल में रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं शेफ। वन हु ग्रोस क्रॉप, जो हमारे लिए धान उगाते हैं, ठीक है, तो कौन उगाते हैं आपको पता ही है, फार्मर, हम उन्हें कहते हैं फार्मर, किसान। वन हु सेल्स हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रॉसर यानी कि दुकानदार, जो हमारी ग्रॉसरी यानी कि जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं हम दुकान से लाते हैं तो उस दुकान वाले को ग्रॉसर कहते हैं। वन हु वॉशिज एंड ड्राई क्लीन्स क्लोथ, लॉन्ड्री, जो हम अपने कपड़ों को धोने के लिए देते हैं तो हम लॉन्ड्री में देते हैं अपने कपड़े। हु कैन रिपेयर्स कार, कार को कौन बनाता है, मैकेनिक। वन हु जॉब्स इज़ टू कट हेयर, जो हमारे बाल काटता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बार्बर यानी कि नाई। हु टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं उनकी देख रेख कौन करता है, वार्ड बॉय, उस लड़के को हम कहते हैं वार्ड बॉय। वन हु मेन फ्लायर ऑफ अ प्लेन, जो प्लेन को उड़ाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैप्टन यानी कि जो उसके मेन फ्लायर होते हैं, ठीक है। वन हु गार्ड्स अ बिल्डिंग और क्लोनी, गार्ड, जो हमारे क्लोनी की बिल्डिंग की रखवाली करते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड, ठीक है। तो आपने इनको समझा कि हम इनको क्या कहते हैं, जो हमारी ये डेली रूटीन जो की चीज़ें होती हैं उसमें हमारे हेल्प करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, कौन जो हमारे लिए फर्नीचर बनाते हैं उन्हें कारपेंटर कहते हैं, जो वेजिटेबल्स बेचते हैं उन्हें ग्रीन ग्रॉसर बोलते हैं, तो ये अब आपको लर्न करना है। फिर इसमें ए है राइट ऑन वर्ड्स फॉर दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, अब आपके पास यहाँ पर वर्ड्स हैं या आप ऊपर से देख के भी कर सकते हैं, जैसे इफ़ यू वांट टू गेट अ हेयर कट यू वुड गो टू अ, अगर आप अपने बाल कटवाना चाहते हैं तो आप किसके पास जाओगे, बार्बर यानी कि नाई के पास। इफ़ योर कार इज़ नॉट स्टार्टिंग यू वुड कॉल अ, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप किसको कॉल करोगे, मैकेनिक को, है ना। थर्ड इफ़ यू हैव अ बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू वुड गो अ
ग्रीन ग्रोसर, अगर आपको सब्जियां खरीदनी है, फल खरीदनी है तो आप ग्रीन ग्रोसर के पास जाएंगे। अब है क्लोथ्स आर डर्टी, ही टेक्स क्लोथ्स टू आर लॉन्ड्री, उसने अपने अभय के कपड़े गंदे हो गए तो वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में दे रहा है, लॉन्ड्रर में दे रहा है। फिफ्थ, माय अंकल कुक्स इन अ 5-star होटल, ही इज़ अ शेफ, मेरे अंकल जी 5-star होटल में काम करते हैं तो वो सेफ हैं। और बी वाला है बच्चा, रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स गिवन टू अ मेक 3 न्यू वर्ड्स, आपको फर्स्ट केवल फर्स्ट लेटर को हटा के और नए वर्ड नए आपने कुछ भी बनाने हैं, ठीक है। जैसे ये रिंग का हमने किया विंग टिंग जिंग, टेल का हमने किया नेल फेल वेल, बेल का हमने किया हेल वेल सेल, ब्रेन का ट्रेन ग्रेन क्रेन, एंड मार्क का डार्क सार्क और मार्क, मार्क तो इसमें पहले से हो रखा है, या बार्क लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्ड स्मार्ट कंप्लीट हो गया है, इसको आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे और इसके आगे हम सिंगुलर एंड प्लुरल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके।